Sponsored by Food Adda, Mumbai's famous fast food brand. मुख्यमंत्री खट्टर का एक दिवसीय उत्तराखंड दौरा। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं उत्तराखंड शहीद सत्येंद्र चौहान को पुष्प अर्पित कर नमन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुडीर और पदाधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। वहीं तिरंगा यात्रा सेवा और समर्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खट्टर ने उत्तराखंड की जनता को किया संबोधित और कहा, आज देश के किसानों को बरगलाया जा रहा है, जबकि मोदी सरकार ने किसानों के हक में ही 3 बिल लाए हैं। नवभारत समाचार, विकास नगर से महेंद्र तोमर की रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को होता है, उसके बाद 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जिनके विचारों को सिद्धांतों को लेकर के इस पार्टी का निर्माण हुआ और ये पार्टी उन सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रही है, उनका जन्मदिन 25 सितंबर को होता है। और साथ में आज जैसा 2 अक्टूबर को भी 2 माह में आईडी नीचे लाओ। देश के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री उनका ये जन्मदिन होता है। और फिर 7 अक्टूबर को एक ऐसा दिन है जिस दिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो राजनीतिक एक पदभार संभाला था, सबसे पहले मुख्यमंत्री गुजरात का, वो 7 अक्टूबर का दिन था। ऐसे 30 दिन का देश भर में सेवा और समर्पण का एक पर्व चल रहा है। इसी पर्व में हम सब लोगों की राष्ट्रीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के, उनके दूसरे प्रांतों में जाकर और इस पर्व के नाते से शामिल होने का कार्यक्रम बना। उसी कार्यक्रम के नाते आज अच्छा हरियाणा में सर, जैसे कृषि प्रधान देश है हरियाणा, प्रदेश है हरियाणा, सुविधाएं गिनवा रहे थे सर। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन वहाँ पर आंदोलन चल रहा है किसानों का, कोई मांगे हैं, कब तक मांगी जा सकती है? देखिए, इसमें 2 तरह की मांगे हैं। एक तो कृषि जो कानून बने हैं 3, चूँकि वो केंद्र सरकार ने बनाए हुए हैं और उनको निरस्त करने की उनकी मांग है। 11 दौर की बैठकें हो चुकी हैं और उनको ऑफर दी गई है कि इन कानूनों में अगर कोई गलत बात है तो उसको हटाने के लिए तैयार हैं, उसको संशोधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बिल्कुल इस प्रकार का एक ब्लैंक डिसीजन के इन कानूनों को वापस लो, उसके लिए तो केंद्र सरकार भी सहमत नहीं, और मैं समझता हूँ होने भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सर किस तरह का रास्ता निकाल रही है सरकार? तो रास्ता तो बातचीत के माध्यम से निकलेगा, और हमने फिर उनको ऑफर दिया कि ऐसे कुछ मसौदा हो जो उसमें से मॉडिफाई करना है, कोई चीज़ प्रावधान हटाना है, ऐसे प्रावधान लेकर के आ जाए। सर देशव्यापी होता जा रहा है किसान आंदोलन, क्या नुकसान होगा भाजपा को? देखिए, अब इस विषय में तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा कि देशव्यापी होता जा रहा है। हरियाणा और पंजाब में बहुत पहले से शुरू हुआ था, ज़्यादा पंजाब का ही उसमें योगदान है शुरू करने में, हरियाणा में तो बाद में लोग उसमें जुड़े हैं, लेकिन उसमें से हम समाधान को पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई समाधान निकल आए। सर पड़ोसी राज्य पंजाब में उठापटक जारी है। दूसरी मांग जो उनकी थी वो उसका समाधान मैं समझता हूँ आज निकल आएगा। गेहूँ का धान इसकी प्रोक्योरमेंट मंडियों में पहले 1 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन चूँकि वर्षा आज तक भी चल रही है, कुछ क्षेत्रों में आज भी हुई है, इतने देर तक कभी भी वर्षा का सीजन आया नहीं है, पहली बार देर तक वर्षा चल रही है। अब धान में चूँकि मॉइस्चर ज़्यादा है, इसलिए एक उसका पैदा आया नहीं है, पहली बार देर तक वर्षा चल रही है। अब धान में चूँकि मॉइस्चर ज़्यादा है, इसलिए एक उसका पैरामीटर है कि इस पैरामीटर की धान खरीदी जा सकती है। तो रिपोर्ट ये थी केंद्र सरकार के पास कि अभी वर्षा के कारण से मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसानों की भी मांग है, हम भी यहाँ सोचते हैं कि जिसके मॉइस्चर ठीक है, यानी जो पैरामीटर 17 की जो मॉइस्चर है वो पैरामीटर अगर कुछ स्थानों पर है वर्षा से बचा के रखा हुआ है, हम डिमांड करेंगे। आज मैं जा रहा हूँ, पंजाब में सियासी उठापटक चल रही है, जा रहा हूँ, हम ये डिमांड करेंगे कि हम उस प्रकार के जो बाकी देश में है वही हरियाणा में, कोई बहुत बड़ा हरियाणा के अंदर सिस्टम नहीं है उनका, 2 फाड़ का कई फाड़ सर यानी कांग्रेस पार्टी बनी हुई है, अलग अलग नेता अलग अलग तरीके सर। किसानों और भाई बहनों जो टकराव हरियाणा में चल रहा है सर, ये तो कहीं ना कहीं मैसेज गलत जा रहा है देश में भी। देखिए, मैंने बताया ना कि अब एक ज़बरदस्ती कोई की जाए तो ज़बरदस्ती तो किसी की मांग को माना नहीं जा सकता है, तो उसमें इतना ही है, हमने अपील किया उनको कि डेमोक्रेसी है, अपना आंदोलन चलाना है तो शांतिपूर्वक तरीके से चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं सर। सरकार में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी तो सरकार पूरा एक्शन। सर पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के जब भाजपा मानने की अटकलें तेज हो रही है, अच्छा है उन्हीं से पूछें।
सर किसानों में और लगातार जो है सरकारों में काफी बार वार्ता हो चुकी है बिल को लेकर, मगर आखिरकार समाधान क्यों नहीं निकल पाया अभी तक? मैंने बताया कि जिद करके अगर कोई बैठेगा तो समाधान कैसे निकलेगा? सर आपके आने से पूर्व कुछ किसानों को गिरफ्तार किया गया सिलसिले में, क्या उनसे वार्ता की जाएगी आपके द्वारा? नहीं नहीं, मैं बताया जो गिरफ्तारों को लाइन आउट के कारण से गिरफ्तार किया जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और जो शांतिपूर्वक अगर उन लोग बैठते हैं उनको कुछ नहीं कहते हैं।